बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ दाल वड़ा रेसिपी। तो हम बना रहे हैं चने की दाल के पकोड़े। तो यहाँ पे चने की दाल को मैंने धो के सोख करके रखा था, 5 से 6 घंटा हो गए, यानी समझ लो कि रात को मैंने भिगोया था और सुबह अभी हम बना रहे हैं। तो ये दाल हमारी अच्छे से सोख हो गई है, तो ये बहुत ही अच्छे हमारे पकोड़े बनेंगे इससे। तो इसको थोड़ा भिगोना पड़ता है हमें, तो अभी हम इसकी एक पेस्ट बना देते हैं मिक्सर में। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जार ले लिया और इसमें ही मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, और हम डालेंगे इसमें जो दाल हमने भिगोई है चना दाल, वो आप चाहो तो मिर्च ऊपर से भी डाल सकते हो। तो ये दाल को हम मिक्सर में क्रश कर देते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे और एकदम महीन भी नहीं पीसेंगे, इसको थोड़ा हम दरदरा रखेंगे। तो चलिए मैं इसकी एक पेस्ट बना देती हूँ। सो गाइज, ये हमारी पेस्ट हो गई है, हमने दाल को क्रश कर लिया है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल देते हैं, पानी बिल्कुल नहीं डाला है। बहुत ही अच्छा इसका एक बैटर बन के रेडी हो गया है। तो अभी हम इसमें बाकी मसाले कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, आप चाहो तो कूट के भी डाल सकते हो। ये रेडीमेड वाला पेस्ट मैंने ले लिया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं ऑनियन कट किया हुआ। ये पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, दाल वड़े खाने में तो एक नंबर हैं, और एकदम क्रिस्पी बनेंगे ऊपर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे थोड़ी मैंने डाल दी हल्दी, रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा धनिया जीरा पाउडर, नमक, टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे, और थोड़ा डालेंगे हम इसमें सोडा, और डालेंगे कोथमीर, और इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट, जैसे बाजार में बनते हैं वैसे ही ये पकौड़े बनेंगे, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे मैं ये मिक्स कर रही हूँ, इसको चख भी सकते हो कि नमक ज़्यादा है कम है, तो ऊपर से आप डाल भी सकते हो। देखिए हमारा बैटर हो गया है, हमारा बैटर पकौड़े का रेडी हो गया है। अभी हम इसको फ्राई कर देंगे, ऑयल भी हमारा रेडी है। तो गाइस ये देखिए हमारे पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे ये पकौड़े। अब एकदम इसका कलर गोल्डन हो गया है, तो अभी हम इसको निकाल देंगे। दाल वड़े यानी चने की दाल के पकौड़े रेडी हो गए हैं। अभी हम इसको ऑनियन के साथ सर्व करेंगे और ऊपर से थोड़ा हम नमक डालेंगे, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये हमारे दाल वड़े यानी चने की दाल के पकौड़े रेडी है। अभी मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, आप लीजिए, बहुत ही अच्छे, एक नंबर, और ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।